नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आशीष एजुकेशन समाचार चैनल पर। आज 27 अप्रैल, साथियों इस वीडियो के तहत शिक्षा विभाग से संबंधित सभी बड़ी खबरें आपको बताई जाएगी। तो सबसे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से शिक्षा विभाग से संबंधित हर प्रकार की अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑल सेट करें, जिससे कि आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आइए जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। यहाँ पर सबसे पहली अपडेट सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर के, सफाई कर्मचारी भर्ती जारी रखे लेकिन याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी हाईकोर्ट। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्थानीय निकायों में 24,797 पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्र की पात्रता शर्त में भर्ती प्रक्रिया के बीच में किए बदलाव को चुनौती देने के मामले में राज्य सरकार को भर्ती प्रक्रिया जारी रखने की छूट दी है। हालांकि अदालत ने भर्ती को याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन रखा है। अदालत ने राज्य सरकार को कहा है कि भर्ती में याचिकाकर्ताओं के हित भी प्रभावित नहीं होने चाहिए। वही अदालत ने मामले की सुनवाई 28 मई को तय की है। यह आप देख सकते हैं सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर के हाईकोर्ट से संबंधित अपडेट। अगली खबर है यहाँ पर, शिक्षा विभाग सेकंड ग्रेड टीचर से व्याख्याता पदों पर प्रमोशन मई से पहले संभव नहीं। 1 मई से नया शिक्षा सत्र, इधर 38% स्कूलों में संस्था प्रधान ही नहीं, 96% वाइस प्रिंसिपल के पद भी खाली। बीकानेर से खबर, बीकानेर सहित राज्य के अनेक जिलों में जिला समान परीक्षा के तहत 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं खत्म हो चुकी है और अब 1 मई से स्कूलों में नया शिक्षा सत्र 24-25 शुरू होगा। स्कूलों में 1 मई से 16 मई तक प्रवेश उत्सव का प्रथम चरण चलेगा, लेकिन सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को शिक्षकों के लिए अभी इंतजार करना होगा। वर्तमान में राज्य के स्कूलों में 38% संस्था प्रधानों के रिक्त यहाँ पर पद चल रहे हैं। आप देख सकते हैं 65,000 स्कूलों में 80,91,000 विद्यार्थी आप देख सकते हैं यहाँ पर। बड़ी अपडेट, शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 79,000 से अधिक पद खाली। और शिक्षा में बढ़ते कदम, तीसरे चरण की परीक्षा 29 और 30 को राज्य स्तरीय निरीक्षण दल गठित। अगली खबर है, आरपीएससी 300 छात्रों के इंटरव्यू 6 दिनों में होंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग पशु चिकित्सा अधिकारी और कनिष्ठ विधि अधिकारी भर्तियों के 300 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू 6 दिनों में पूरे करेगी। 1 महीने से अधिक अंतराल के बाद इन भर्तियों के इंटरव्यू शुरू होंगे। आरटीई अब तक 1,92,000 फॉर्म, अंतिम तिथि 29 अप्रैल। शिक्षा सत्र 24-25 के तहत राज्य के निजी स्कूलों में शिक्षक अधिकार आरटीई के तहत निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है। एपिकल्चर लाइब्रेरी एंड पीटीआई कॉमन पेपर के आंसर की जारी। आरपीएस द्वारा कॉलेज शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरी एंड पीटीआई भर्ती परीक्षा 2023 के कॉमन पेपर के आंसर की कल जारी की गई थी। इसकी अपडेट आपको हमारे कल के वीडियो में भी दी गई थी। और यहाँ पर 5वीं बोर्ड परीक्षा से 15 मिनट पहले खोले जाएंगे प्रश्न पत्र। वरिष्ठ शिक्षक संस्कृत सामाजिक विज्ञान के 234 अभ्यर्थी अपात्र। आप देख सकते हैं यहाँ पर संस्कृत शिक्षा विभाग को वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान के 234 अभ्यर्थी अपात्र हो गए हैं। अब आयोग ने पात्र अभ्यर्थी मिल सके इसके लिए दोबारा प्रयोजन जो है सूची जारी की है। सामाजिक विज्ञान के 144 पदों के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था। देख सकते हैं आप, राजस्थान लोक सेवा आयोग 19 मार्च को आखिरी इंटरव्यू हुए थे, अब 1 माह बाद जारी किया गया अगले चरण का कार्यक्रम। कनिष्ठ विधि व पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती 300 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू 6 दिनों में होंगे। पशु चिकित्सा भर्ती के इंटरव्यू का 13वां चरण होगा। आरपीएफ भर्ती 2024, महिला अभ्यर्थी को 800 व पुरुष को 1600 मीटर की दौड़ करनी होगी पूरी। भूतपूर्व सैनिक व महिला अभ्यर्थी नहीं मिलने पर संबंधित श्रेणी के पुरुषों को मिलेगा फायदा। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स या आरपीएफ में एसआई और कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 से जुड़ी यह अपडेट।
कॉमन पेपर की आंसर की जारी हुई एक प्रश्न रिलेटेड यहाँ पर देख सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरियन पीटर भर्ती परीक्षा 2023। एलडीसी भर्ती 4197 पद, 11 अगस्त को होगी परीक्षा, 3,10,000 अभ्यर्थी बैठेंगे। आरपीएससी सहित विभिन्न विभागों में एलडीसी और कनिष्ठ सहायक के 4197 पदों पर भर्ती के लिए 11 अगस्त को परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और यह भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा संपन्न कराई जाएगी। एसटीएससी परीक्षा 12 मई को होगी, अगले सप्ताह जारी किए जा सकते हैं प्रवेश पत्र। एग्जाम गाइड, महत्वपूर्ण एग्जाम से संबंधित प्रश्नोत्तर। सत्ताईस अप्रैल आज का इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं। यहां पर राजस्थान हाईकोर्ट सिविल जज के 222 पदों पर वैकेंसी, 8 मई तक आवेदन किए जा सकते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने सिविल जज के जो 222 पर निकाले हैं उस पर ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं यहाँ पर sira.nic.in। मार्च में सरकार की ओर से जारी किए गए आदेशों को अफसरों ने बदला, स्पष्ट कुछ नहीं। पहले जींस टी शर्ट पर बैन और अब गरिमापूर्ण गणवेश का आदेश, लेकिन पहनेंगे क्या इसका उल्लेख नहीं, असमंजस में शिक्षक। आवेदन की अंतिम तिथि 7 मई, परीक्षा 26 मई को 300 से अधिक शहरों में दो पारियों में होगी। जेई एडवांस्ड ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू। सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए परीक्षा शुल्क ₹3200। उत्तर रेलवे में ग्रुप डी का वृत्तिगत नोटिफिकेशन जारी। केंद्रों पर यहाँ पर 76,000 बच्चे होंगे शामिल, लगातार होगी परीक्षा, कोई अंतराल नहीं। पांचवी की परीक्षाएं 30 अप्रैल से, बुकलेट में लिखने होंगे विद्यार्थियों को जवाब। प्रारंभिक शिक्षा विभाग, अगले साल 25 मई को होगा सीएसई प्री और 22 अगस्त को मेंस एग्जाम। जेई एडवांस्ड क्वालिफाइंग कट ऑफ 2.45 से 9.46% तक बढ़े, टफ हुआ कंपटीशन। रजिस्ट्रेशन आज से, परीक्षा 26 मई को, जेई मेन के टॉप अभ्यर्थी कर सकेंगे अप्लाई। आरजेएस नेट यूपीएससी प्री और सीएमए की परीक्षा 16 जून को प्रस्तावित। प्रदेश में एक दिन ही 4 परीक्षाओं की तिथि टकराई, अभ्यर्थी असमंजस में। तो साथियों, ये थी आज की शिक्षा विभाग से जुड़ी सभी बड़ी खबरें। उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। साथियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।